जो गुल्ली लगाकर नील लगाकर कपड़े पहनते हैं वो अपने साथ बड़ा धोखा करते हैं। नील लगे हुए कपड़े, गुल्ली लगे हुए कपड़े वो बहुत हानि करते हैं। जैसे विषपान से हानि होती उससे ज़्यादा नील लगे हुए कपड़े पहनने से हानि होती। विषपान करने से तो एक बार मृत्यु होती है और नील लगे हुए कपड़े चमड़ी को छुए ऐसे ढंग के कपड़े पहनने से कई जन्मों तक हानि होती। एक माई लालजी महाराज हमारे मित्र संत हैं, उनकी देखी हुई घटना है। वरसोड़ा गांव में एक माई रहती थी, बड़ी हिम्मत वाली थी। उसका पति स्वर्गवास हो गया, अंग्रेजों का शासन था। 1944 की बात होगी, 45 की, 42 की जो भी होगी, आजादी के पहले की घटना रही होगी। उसका पति गुजर गया तो वो सती होने को जा रही थी और बंदश थी सती होने पर, अभी भी बंदश है। लेकिन उस बाई का इतना मनोबल कि वो थानेदार पुलिस ये वो गांव के लोग कोई इसके नजीक नहीं आते। मरता क्या ना करता, एक मरणिया सो को भारे। आकर पुलिस को अपनी नौकरी का सवाल लगा, मुखिया को भी कुछ समझाया, ये बोले इसको तो रोकना इसको मुश्किल है, क्या करे। फिर एक बुजुर्ग था बुढ़ा, उसने उपाय बताया कि इसका इतना मनोबल और इतनी दृढ़ है, इतनी प्रभावशाली है कि तुम लोग इसको थाम नहीं सकते, रोक नहीं सकते। तो एक उपाय है कि थोड़ी नील ले आओ, गुली गड़ी ले आओ, पानी में डाल के उसको दूर से उसको लगा दो तो अपने आप वो डरपोक हो जाएगी, अपने आप वो तुम्हारी बातों में आ जाएगी। और उन्होंने ऐसा किया और वो माई जो दृढ़ थी वो सबको नाक में दम कर रही थी, वो नील छूने के बाद बिल्कुल पाली हुई बकरी जैसी हो गई, उसका मन कमजोर हो गया। मास्टर मिल के मालिक भावनगर में जैनी थे, उन्होंने कई जैन साधुओं से अपनी तंदुरुस्ती के बारे में आशीर्वाद लिए और कईयों ने उपाय बताए। आखिर कोई फर्क न पड़ने से, हकीम डॉक्टरों का कोई फर्क न पड़ने से मेरा जब सत्संग हुआ तो मुझसे वो एकांत में अपनी व्यथा कहने को आए, तो उन्होंने अपनी सारी व्यथा सुनाई। वो इलाज से ठीक नहीं होती थी, उपायों से, साधुओं के उपायों से भी ठीक नहीं हुआ, तो मैंने उनकी व्यथा प्रॉब्लम सुनकर तंदुरुस्ती के या दूसरे जो भी, मैंने कहा तुम कल आना। मैं सुबह को ध्यान में बैठा, सोचा कि उस मिल मालिक साधक जैसा भक्त जैसा है साधुओं का, भले जैन साधुओं का भक्त है लेकिन भक्त है, चलो उसका क्या उपाय है। ऐसा सोचकर थोड़ी देर शांत हो गया। बाद में फिर मैं घूमने गया, उस समय मैंने उसको बुलाया, मैं बोर तालाब वहाँ है एकांत में टहलेंगे, मैं उस सेठ को बुलाया, पीछे पीछे आया, जंगल में देखा कोई नहीं है, मैंने उसको सामने बिठाया। अब अंदर से वही सुबह वाला गोता मारा, फिर मैंने उसको बोला अच्छा तुम कपड़ा उतारो, जब्बा उतारो, जब्बा उतारा तो अंदर जो बंडी थी एकदम नील के रंग से रंगी थी, भीतर से अंदर से आवाज आ गया, बस इनके रोग का कारण यही है, रोग और प्रॉब्लम का कारण यही है। मैंने उनको कहा तुमको कोई दवा नहीं लेनी है, कोई सूती फकी नहीं लेनी, कोई टूणा फूणा नहीं करना है, कोई नमो अरियंता है, जो करना है ना करो, ये हमारा कुछ ही नहीं, तुम केवल नील लगाना बंद कर दो और ऐसे इस प्रकार प्राणायाम करो, ये लो जीवन रसायन पुस्तक पढ़ो। बाद में तो उसकी लंबी चौड़ी चिट्ठी आई कि आप तो भगवान हैं, आप तो ये हैं। मैंने सोचा मैं अकेला भगवान नहीं, जर्रा जर्रा भगवान है, लेकिन पहचानता नहीं भैया आपने।